हाय गाइस, मेरा नाम अभिनव, आप देख रहे टिकट सिक्स। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रियलमी बर्ड्स एयर 3 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसे हम कंपेयर करेंगे वन प्लस बर्ड जी 2 से एंड नथिंग एयर 1 से। भाई तीनों ही ना अपने प्राइस सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रेटिंग्स काफी अच्छी है फ्लिपकार्ट पे इसकी। एंड वैसे तीनों का ही बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इन तीनों का ही बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। एंड गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल में नए हो एंड कंटेंट पसंद आता है, ऐसा कंटेंट देखना है तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगेगा तो लाइक जरूर कर देना। ओके, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भाई यहां पे तीनों के ही प्राइस सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे Realme Buds Air 3 जो है इसका प्राइस 3500 से 4000 के बीच में है। यहां पे OnePlus 4000 से 5000 के बीच में आता है एंड Nothing 5000 से 6000 के बीच में आता है। तो भाई इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ईयरबड आपके लिए कौन सा होगा? तो यार सबसे पहले मैं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करूंगा, तो यहां पे तीनों का ही बिल्ड क्वालिटी गाइस काफी कमाल का है। अगर मैं केस की बात करूं, इवन केस के हिंजेस की बात करूं, तो Realme, OnePlus एंड Nothing तीनों का ही काफी कमाल का हिंजेस है, काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, हिलता भी नहीं है बिल्कुल, एंड ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी काफी सही है। बट एक चीज है, यहाँ पे Nothing में ना हमें वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है, बट यहाँ पे OnePlus Buds Z2 एंड Realme में वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है। तो ये एक चीज डेफिनेटली ध्यान में रखने वाली चीज है। एंड गाइज, यहाँ पे जो Nothing Air 1 है इसका जो केस है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, एकदम यूनिक डिजाइन है, तो इसमें ना स्क्रैचेस लगते हैं। लाइक इतने टाइम के यूज में अभी तक मेरे वाले ईयरबड्स में थोड़े से स्क्रैचेस आ गए हैं, हालांकि मैं बहुत संभाल के रखता हूँ, बट स्टिल स्क्रैचेस आ गए हैं। स्क्रैचेस आपके OnePlus Buds Z2 में भी आएंगे, बट उतना ज्यादा दिखेगा नहीं। बट यहाँ पे Realme क्योंकि मैट फिनिश के साथ आता है, तो इसमें स्क्रैचेस नहीं आने वाले हैं फॉर श्योर। वहीं पे अगर एयर टिप्स की बात करूँ तीनों की, तो भाई सिलिकन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तीनों ही पहनने में कंफर्टेबल है। बट अकॉर्डिंग टू माय यूज़ मुझे लगता है कि Nothing Air 1 ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में। आप इन तीनों के कंपैरिजन में Nothing Air 1 को ज़्यादा देर तक पहन के रख सकते हो, डेफिनेटली ये एक अच्छी चीज़ है। एंड फिटिंग की भी बात करूँ ना तीनों में से, तो मुझे यहाँ पे Nothing Air 1 का फिटिंग काफ़ी अच्छा लगा। जब आप इसे अपने कानों में पहनते हो तो इसका जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। OnePlus Buds Z2 की भी पैसिव नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी अच्छी है, बट Realme की पैसिव नॉइस कैंसिलेशन उतनी ज्यादा बेटर नहीं है। वहीं पे अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो तीनों में ही कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। Realme का Realme Link ऐप से कनेक्ट होता है एंड OnePlus Buds Z2 का Hey Melody एंड Nothing Air 1 का Nothing Air का खुद अपना एक एप्लीकेशन है, उससे कनेक्ट होता है। कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीमलेसली कनेक्ट होगा। बट गाइज, एक चीज Nothing Air 1 में मिसिंग है, वो है डुअल पेयरिंग। यहाँ पे हमें Realme एंड OnePlus दोनों में ही डुअल पेयरिंग का सपोर्ट मिलता है, आप एक साथ दो डिवाइस को कनेक्ट करके रख सकते हो, बट Nothing में ये चीज मिसिंग है। तो ये डेफिनेटली ध्यान में रखने वाली चीज है। उसके अलावा अगर गाइस तीनों की ही बैटरी बैकअप की बात करूं ना, तो यहां पे Realme क्लेम करता है 30 आवर्स की बैटरी बैकअप एंड सिंगल चार्ज में इसके बर्ड्स 4 घंटे तक चल जाते हैं मेरे यूसेज में। एंड डेफिनेटली वॉल्यूम पे डिपेंड करता है आप कितने में सुन रहे हो। OnePlus की बात करूं तो यहां पे OnePlus क्लेम करता है 38 आवर्स एंड यस, यहां पे 35 आवर्स तक आराम से चल जाएंगे एंड सिंगल चार्ज में भी ये 4.5 घंटे तक आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड Nothing Air 1 की बात करूं तो यहां पे 34 आवर्स तक क्लेम करती है कंपनी, 32 आवर्स, 33 आवर्स तक आराम से चलेंगे, सिंगल चार्ज में यहाँ पे 5 आवर्स तक चल जाएगा, बैटरी बैकअप अच्छा देता है। तो भाई तीनों का ही जो है बैटरी बैकअप बढ़िया है, बट OnePlus Z2 एंड यहाँ पे Nothing दोनों का थोड़ा बेटर है आपके Realme से। तो डेफिनेटली प्राइस को भी कंसिडर करने की चीज है कि अगर आपको 3500 में मिलता है तो उस हिसाब से यार बैटरी बैकअप काफी अच्छी है Realme की भी। वहीं पर अगर मैं बात करूं वाटर रेजिस्टेंट की, तो यहाँ पे Realme में IPX5 देखने को मिलता है, OnePlus में IP55 है एंड Nothing में IPX4 है। तीनों को ही पहन के आप जिम वगैरह जा सकते हो, ऐसे फिटिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर स्वेट्स थोड़े आते हैं तो ये झेल लेंगे तीनों ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा अगर पानी का छिटका विटका आता है तो भी झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, OnePlus Buds Z2 एंड यहाँ पे जो Realme है ये थोड़ा सा बेटर है वाटर रेजिस्टेंट के मामले में Nothing से। तीनों में ही हमें इन ईयर डिटेक्शन मिल जाता है एंड तीनों का इन ईयर डिटेक्शन काफी कमाल का काम करता है, तो इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं इनके मोड्स की बात करूँ, तीनों में ही हमें ANC देखने को मिलता है। तीनों का ही अगर मैं प्राइस कंसिडर करूं तो यहाँ पे Realme Buds का भी ANC काफी कमाल का है, Nothing का भी काफी कमाल का ANC है एंड OnePlus Buds Z2 का भी ANC काफी कमाल का है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लाइक ANC वाला जो मोड है ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं होता है इसमें। बट यस, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करूं तो गाइज मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड Nothing Air 1 का इन तीनों में ही बेस्ट लगा है। तो अगर आप लाइक उस चीज को यूज करते हो, उसे अपने यूज केस में
ला सकते हो, तो ये चीज आप डेफिनेटली ध्यान में रखना। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। भाई किसकी साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर है? तो गाइस यहां पर मैं स्ट्रेट कह देता हूं कि अगर आप बेस लवर हो, अगर आपको बेस पसंद है, अगर आपको बेसी गाना ज्यादा पसंद है एंड आपको चाहिए कि आपकी ईयरफोन्स में बेस ज्यादा बेटर हो, तो यहाँ पे आग बंद करो, OnePlus Z2 की तरफ जाओ। यहाँ पे 11mm का ड्राइवर है बट इसका बेस मुझे पर्सनली काफी कमाल का लगा है। Realme एंड Nothing Air दोनों से ही ज्यादा बेटर बेस है। बट अगर आपको गानों में या अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो उसमें डिटेलिंग चाहिए, आपको डिटेल्स में सुनना है, तो यहाँ पे Nothing के Air 1 ने काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पे 11.6mm का हमें ड्राइवर देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी बेस की बात करूँ, ट्रेबल्स की बात करूँ, हाइज की बात करूँ, काफी अच्छे से इन्होंने बैलेंस कर रखा है। एंड अगेन भाई तीनों के ही ऐप में हमें कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है, तो ये एक डेफिनेटली अच्छी चीज है। बट यस, अगर मैं प्राइस को कंसिडर करूं तो Nothing Air 1 का मुझे ओवरऑल साउंड क्वालिटी, रिचनेस जो है, लाउडनेस जो है, मुझे ज्यादा बेटर लगी है। बेस यहाँ पे बर्ड्स Z2 का बेटर है। एंड अगर मैं Realme बर्ड्स Air 3 की बात करूँ तो इसकी भी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बैलेंस ही है। डेफिनेटली 3500 में आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा बेस चाहिए OnePlus Buds Z2 की तरफ जाओ। वहीं पे गाइज अगर मैं टच कंट्रोल की बात करूँ ना, तो भाई टच कंट्रोल तीनों में ही काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। बट गाइज Realme एंड OnePlus में आपके लाइक थ्रू टच आप वॉल्यूम अप डाउन नहीं कर सकते हो, बट OnePlus में ये ऑप्शन मिलता है। ये डेफिनेटली एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। एंड इसके अलावा तीनों के ही ऐप में आपको यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड उसके अलावा भाई जैसा मैंने बताया, कम्फर्ट यहाँ पे Nothing Air 1 का ज़्यादा बेटर है। एंड अगर मैं गेमिंग मोड की बात करूँ तो यहाँ पे हमें डेडिकेटेड Realme Buds में एंड OnePlus में गेमिंग मोड देखने को मिलता है, एंड लेटेंसी काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप गेम खेलते हो ज़्यादा, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि Realme Buds अपने बजट के हिसाब से या फिर OnePlus का Buds Z2 लो। ओके गाइस, तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, आपको 4000-5000 के बीच में कौन सा एक ईयरबड है जो लेना चाहिए? तो गाइस यहाँ पे मेरा सिंपल स्ट्रेट आंसर रहेगा कि अगर आपको 3500 में मिल जाता है Realme, तो भाई डेफिनेटली ले लो। साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड एक ओवरऑल काफ़ी डिसेंट सा ईयरफोन है। बट अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है एंड अगर आप 4000-5000 खर्चा कर सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि Realme Buds के ऊपर आप OnePlus Z2 को प्रेफरेंस देना। इसकी बेस काफ़ी कमाल की है एंड अगर थोड़ा भी और आगे आप बढ़ सकते हो अपने बजट को लेके, तो डेफिनेटली Nothing Air 1 भी काफ़ी कमाल का ईयरबड है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये रहेगा, अगर आपका बजट 3500 है Realme की तरफ जाओ, अगर आपका बजट मैक्सिमम 5000 है तो OnePlus Z2 लेना, एंड अगर आपका बजट यहाँ पे 5000 से थोड़ा ऊपर आप जा सकते हो, तो डेफिनेटली Nothing Air 1 काफी बेटर ऑप्शन रहे। तो गाइस इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो अगेन मैं कहूंगा सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, जो सवाल है पूछो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। अगर इन तीनों का सेपरेट रिव्यू देखना है, मैं आई कार्ड में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।